बहराइच के थाना खैरी घाट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध शराब बनाए जाने वाले अड्डों पर छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी कर 1000 लीटर अवैध शराब बनाने के उपकरण के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों पर धारा 60 आबकारी एक्ट अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। साथ ही खानपान में मिलावट की धारा 272 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि अवैध शराब बनाने वाले अपराधियों के विरुद्ध लगातार छापेमारी जारी है। अभियान चलाकर अवैध शराब बनाने वाले निर्माताओं के विरुद्ध कार्रवाई करी जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अंतर्गत थाना खैरी घाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभारी निरीक्षक खैरी घाट श्री निखिल श्रीवास्तव और उनकी टीम द्वारा बीती रात थाना क्षेत्र के सोती नाला के पास में एक अवैध शराब की सूचना पर दबिश दी गई थी। वहाँ से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, विश्राम और राकेश, जिसमें ये दोनों व्यक्ति है थाना ईशानगर खीरी के रहने वाले हैं। खीरी और जनपद बहराइच के बॉर्डर पर सोती नाला के पास एक भारी मात्रा में अवैध शराब का निर्माण कर रहे थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।